Okay, good morning all of you. So we have covered this module up to the ash handling system. Okay, so today we will see the different things that are there in coal handling system. So next thing is that as per your syllabus you are having many things. Okay, these PPTs are not very small. तुम्हारा exact syllabus के लिए नहीं बना, ठीक है, इसमें डिटेल्स थोड़ा ज्यादा है, ठीक है. सो यू रीड अकॉर्डिंगली, यू फ्रॉम दिस पार्ट, दिस इज तुम्हारा, यू आर हैविंग 18 मॉड्यूल्स, दिस इज ए पार्ट सपोज 25% ऑफ वन मॉड्यूल. सो यू हैव टू रीड अकॉर्डिंगली. बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इज दिस कोल हैंडलिंग सिस्टम. सो यू आर डीलिंग विद द चैप्टर ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग. ओके, सो द पावर प्लांट, for running the power plant, what is the most source of fuel? That is the coal. So एक power plant चलाने के लिए coal कैसे बर्नर तक हो या coal कैसे जलता है power plant में, वो that will come in coal handling system. Okay, और coal handling plant, what is the source of coal? What is the source of coal? Coal is from the coal mines underground. You are getting the coal from different areas. In our area or in India, it is mainly taken care by government and private. Coal India is the organization in government sector which is taking care. Under Coal India, you are having different CCL, BCCL, okay, ECS. Then other also the Assam Coal Field Limited is there, like that. So many limited are there. Other than that, you are having private mines also. In Odisha, you are having some large scale private mines. Okay, so you can see what is the requirement. Requirement is for a 600 megawatt power plant, it takes 700 to 200 tons of coal per day. You can estimate the consumption. Okay, this is one of the statistics. Why in the COVID time, how Indian Railway earned more money? Indian Railway COVID के time में जब पूरा ये बंद था, पैसेंजर ट्रेन बंद था, सब बंद था, उस समय इंडियन रेलवे का रेवेन्यू ज्यादा था. तुम लोगों को मालूम है ये स्टैटिस्टिक्स? उस समय न्यूज में देख सकते हो, कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा मुनाफा रेल को हुआ था. कैसे हुआ था? सब लाइन बंद था, सिर्फ मालगाड़ी चलता था. ये जो कोल है उसको क्या है, व्हाट इज द सिस्टम, पैसेंजर ट्रेन और इवन बिफोर कहीं पे भी यू कैन सी दैट द गुड्स ट्रेन एक लाइन है, गुड ट्रेन खड़ा रहता है हमेशा. कोई ना कोई स्टेशन में तुमको बड़ा स्टेशन में मिलेगा एक ट्रेन दो ट्रेन खड़ा है. क्यों? शताब्दी आएगा, अभी तुम्हारा ये वंदे भारत जा रहा है, तुम्हारा बहुत सारा ट्रेन है, ये सब जाएगा, लोकल जाएगा. जब वो सब कोई ट्रेन नहीं है, अन इंटरप्टेड सर्विस, जो ट्रेन अभी 5 दिन में पहुंचता है, सपोज फ्रॉम ईसीएल इन रानीगंज इट विल गो टू सपोज बेंगलोर. ओके, तुमको जाने में 36 घंटे लगेगा, लेकिन गुड्स ट्रेन को जाने में 4 दिन लगेगा. बिकॉज बहुत सारा स्टॉपेज है, उसको मिलता नहीं है. लेकिन उस समय क्या होता था, उस समय जो है हमारा पैसेंजर से भी जल्दी जाता था. सो द प्रोडक्टिविटी इज वेरी गुड एंड अनइंटरप्टेड सर्विस वाज देयर. ओके, दैट इज व्हाई रेल अर्न्ड सो मच मनी, बिकॉज दे वर गिविंग लॉक. और वो भी क्या था, उस समय सब कुछ बंद था, क्या किया, डीएसपी जैसा बड़ा बड़ा पावर प्लांट लेके भी अपना स्टॉक बढ़ा लिया, पूरा स्टॉक भर के रखा. क्योंकि उन लोग का क्या है, ट्रेन में भूख हड़ताल हो गया या एक्सीडेंट हो गया, जैसे तुम्हारा उस समय लाइन में एक बार एक्सीडेंट हो जाएगा, सब ट्रेन बंद है. कोल के पास भी अपना स्टॉक रहता है 10 दिन का, क्योंकि रेल बंद हो गया, ट्रेन नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्या होगा, कोल खत्म हो जाएगा तो पूरा सिस्टम सेटअप बंद हो जाएगा. लेकिन उसको रिस्टार्ट करने में इट इज ए वेरी कॉस्टली मेथड. सपोज योर बॉयलर इज शट डाउन, इट इज ए वेरी कॉस्टली प्रोसेस टू स्टार्ट द बॉयलर. सेम थिंग इफ यू रीड अबाउट द डीजल इंजिन ऑफ रेलवे. You know why the diesel engine of railway is never stopped? कोई स्टेशन में जाके एक घंटा ट्रेन खड़ा रहेगा 45 मिनट, लेकिन देखना कि उसका इंजिन बंद नहीं करता है. The engine कभी बंद नहीं करता है, क्यों? क्योंकि एक बार उसका इंजिन चालू करने में जितना खर्चा है, उसको एक घंटा स्टैंड बाय मोड में रखने में उससे खर्चा कम. ओके, सो दैट इज वाई द कंजम्पशन इज वेरी हाई. ओके, so requirement of a good coal handling plant, it should have minimum maintenance, it should be simple and it should be reliable.
व्हाट इज द रोल कोल हैंडलिंग प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अनइंटरप्टेड सर्विस में ही आता है। कोई भी कुछ टूट गया या कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहेगा तो फेलियर हो जाएगा तो तुम्हारा मतलब बेकार में पावर प्लांट का या कोई भी यूनिट का सिस्टम बैठ जाएगा बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड। तुमको कोल लेके आना है बॉयलर में डालना है, इसके बीच में कहीं पे ट्रक खराब हो गया, ट्रेन का प्रॉब्लम है, इसमें नहीं आ रहा है, तुम्हारा सामान ठीक टाइम पे नहीं पहुंचा, इन ड्यू टू दैट केस इन योर ट्रेन इज नॉट योर पावर प्लांट इज गेटिंग इंटरप्टेड इट इज वेरी बैड क्योंकि तुम्हारा जो पावर प्लांट का बहुत सारा सिस्टम है, वायरिंग है, ट्रांसफॉर्मर है, ये सब का प्रॉब्लम आता है। पावर प्लांट इन जनरल कोल में प्रॉब्लम बहुत कम आता है। कुछ दिन पहले बिफोर वन एंड हाफ मंथ देयर वाज सम स्कार्सिटी ऑफ कोल ड्यू टू व्हिच लोड सेलिंग वाज देयर इन होल ऑफ द ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया। ओके सो यू कैन सी व्हाट इज द सिस्टम, दिस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छा सा अगर पढ़ लोगे तुम बाकी बना सकते हो अपने आंसर। कोल डिलीवरी, अनलोडिंग, वेटिंग, आउटडोर स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, इम्प्लांट हैंडलिंग, प्रिपरेशन, वेटिंग, ट्रांसफर एंड देन फाइनली फर्नेस फायरिंग। अगेन जो कोल है उसको व्हेन यू वांट टू, दिस इज द फाइनल प्रोसेस, यू हैव टू पुट इट इन द फर्नेस। सो बिफोर गोइंग टू फर्नेस योर मेन मोटो इज दैट द कोल शुड नॉट बी वेट, द कोल शुड नॉट बी वेट, इट शुड बी ड्राई and it should be having some high temperature so that if the ignition agar pura bhiga hua rahega coal to wo jalega nahi. Okay, you will have loss of energy. So these things are important. This covered storage, why it is there? First large bulk 15 din ka coal hai usko bahar store kar loge lekin 5 din tak coal ko andar store kar loge usse pura moisture hata loge taki it can burn instantaneously and there is no loss. So you can see again these are some of the general questions. In one train 4000 to 1300 tons of freight can come. If it is transported by ship 45 million tons per year, if it is transported by rail truck etc. by conveyor belt and transportation of coal by pipeline. So last two point है वो कहाँ use होता है, ये तीन चीज कहाँ use होता है, this is used basically from mines to the place. Suppose you are having something you need coal, तुमको जैसा जरूरत पड़ता है, तुमको अगर खाना बनाने के लिए कोल चाहिए तुम बैंक में लेके आओगे, तुमको उससे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए वैन में लेके आओगे, फिर मेटाडोर में ले आओगे, फिर ट्रक में ले आओगे, उसके बाद ट्रेन में ले आओगे, उससे भी ज्यादा चाहिए तुम जहाज में ले आ सकते हो अगर तुम्हारे पास जहाज का फैसिलिटी है। जहाज से भी आता है इंडिया में, कौन सा कोल आता है, व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल दैट इज अवेलेबल, एंथ्रासाइट, व्हाट इज द टाइप ऑफ कोल दैट इज जनरेटेड इन आवर कोल माइंस, बिटुमिनस, सो इट इज इन द बॉटम ग्रेड, उसमें ज्यादा कार्बन रहता है, उसका इग्निशन कम रहता है। Their coal is imported from South Africa and other places by sea in India because the quality of coal is very good in some industries that is required. Okay. So there are different processes of unloading, so these things are not very important for your point of view. You can see this is the rail car unloading. Again, it can be two types, this is one type. बॉटम हॉपर खुल जाता है, कोल पूरा अंडरग्राउंड स्टोरेज में घुस जाता है। यू कैन सी दिस इज वन थिंग, दिस इज अनदर थिंग, इफ यू गो फॉर साइट विजिट और इफ यू वेंट टू एन इंडस्ट्री यू कैन सी दिस टाइप ऑफ थिंग, पूरा ट्रेन का जो बोगी है पूरा उसको पलटा देता है। हैव एनीबॉडी सीन? यस सर, यस सर, यस सर। इफ यू गो टू द इंडस्ट्रीज यू कैन सी दिस थिंग एंड व्हाट इज देयर, ये किसके ऊपर उल्टा रहा है, वो जाली लगा रहता है डिफरेंट साइज का, डायरेक्ट उसको जब कोल गिरेगा द लार्जर पार्टिकल विल सेटल इन वन मेम्ब्रेन, देन द स्मॉलर पार्टिकल, देन द स्मॉलर पार्टिकल, देन द डस्ट। सो दिस इज दिस अनलोडिंग, इट इज वेरी फास्ट, एक बोगी को लोगे घुमा दोगे पूरा गिर जाएगा, वो आगे चला जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें फायदा क्या है, ये तुरंत हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम यह है कि पूरा ट्रेन का बोगी को निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल
कंपार्टमेंट कैन बी टेकन, ऐसा नहीं कि पूरा ट्रेन को लेके घुमा देगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओनली वन कंपार्टमेंट एट ए टाइम. इफ यू हैव दिस सिस्टम, दिस विल डिपेंड ऑन द कंपार्टमेंट. अगर ऐसा सिस्टम आएगा तो तुम्हारा नीचे से खोल सकता है, साइड से भी खोलने का आता है, यू कैन सी द वीडियोस इनसाइड, देयर आर देयर, बट अगेन इट विल टेक टाइम बिकॉज एवरीथिंग विल नॉट फॉल. ये एक कोर्स है, हाई मटेरियल नहीं है, यहाँ से क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे बच जाएगा, मतलब यहाँ वाला निकलेगा, साइड से आदमी को उसको निकालना पड़ेगा. This is an automated process. So nowadays in automated system, this is used. In foreign countries, everywhere this system is used. In foreign countries, what is the system? हम लोग के इधर जो दो को भी join करता है, वो भी तुम्हारा manually करता है. उधर वो भी तुम्हारा using fastener, it is very simple. मतलब वो plug and play ऐसा system है. जैसे तुम अपना charger लगाते हो, वैसा system से एक बोगी दूसरा बोगी से जुड़ा रहता है. एक आदमी रहता है, एक rod निकाल देगा, वो खुल जाएगा. And it is very fast. Okay. So this is important, the unloading process. You can see the different unloading equipment that are there. You can see this is the way by which from this system you can see in the sand. Yes. Where from river if they are taking underground sand. पहले क्या होता था, वो पूरा सूख जाता था, उसी समय बालू निकालता था. अभी का modern system हो गया है, pumping करके sand निकालता है. You can see this type of thing. Again, this system is used for coal handling plants. So you can see, this is the output that is used in your furnace. It should be dust. Coal dust is used. So coal, you have to meet. You are having some size 20 mm, 40 mm size का आता है coal. Okay. पहले तो बहुत बड़ा आता है, उसको तोड़-तोड़ के इस size में तुमको delivery होगा. उसको you have to break it and you have to make it in the powder form. In the powder form, it can move through the pipes. Okay. If it is in the powder form, it can move through the pipes. And finally, it will be moving through the pipes. Again, these are the different things of transportation. This is the belt conveyor. If you see different type of aggregates also, belt conveyor se wo jata hai. Theek hai? For different segregation also. Size segregation. क्योंकि ये सब ऑटोमेटेड प्रोसेस है. तुम्हारा जो कोल का साइज है, जो बोगी से निकलेगा या ट्रक से जो आएगा, उसमें बहुत साइज रहेगा. वो आते आते थोड़ा थोड़ा टूटेगा, कुछ छोटा साइज मिलेगा, कुछ बड़ा साइज मिलेगा. सो बाय ऑटोमेटेड मशीन इट इज ब्रेक डाउन एंड फाइनली इट इज ट्रांसफर्ड टू द पाउडर फॉर्म. सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. सो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम. ओके. This is the coal weighting system. You know how the truck is weighted. The truck is weighted in the your different type of weight bridge. So this is the system by which trains are weighted. Okay. This is the view of a coal storage plant. So if you go for, you are having your industrial visit and industrial training, if you go to power plant, you can go in detail and learn these things. Okay. इसमें पार्ट सीपीएम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सब का काम आता है. इफ यू सपोज यू आर यू वेट जॉब इन एनटीपीसी और तुम्हारा कोई पावर प्लांट में तुम्हारा मतलब वहां पे तुम्हारा काम रहेगा या यू आर पोस्टेड देयर, सो योर वर्क विल बी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ दिस सिस्टम. देयर इज कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ओवरऑल प्रोसेस इज देयर. बहुत सारा स्टील स्ट्रक्चर रहता है, स्टील स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम रहेगा. ये देख सकते हो, ये सब तुम्हारा क्या है, ये सब चिमनी देखो, ये स्टील का चिमनी है. ठीक है. वेरी स्मॉल डायमीटर. स्मॉल डायमीटर मींस इट इज द स्टील चिमनी. देयर कैन बी प्रॉब्लम इन दैट चिमनी. सो यू हैव टू मेक द अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर रनिंग. व्हाई आर इंजीनियर डेप्यूटेड? कोई भी पावर प्लांट में इंजीनियर डेप्यूटेड क्यों रहता है? अनइंटरप्टेड सर्विस के लिए. जितना कम शटडाउन लोगे उतना कंपनी का फायदा है, और जब शटडाउन लोगे तो जितना मेंटेनेंस है सब कुछ उसी समय कर लेना. ऐसा नहीं कि आज थोड़ा कर लिए, फिर दो दिन बाद दूसरा जगह पे खड़ा होगा, फिर सब कर लेना है. दिस इज द थिंग दैट आर देयर. सो यू कैन सी द कोल इज स्टोर्ड फॉर अराउंड 30 to 80 days. दिस इज द आउटडोर स्टोरेज यूनिट. सो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ different article silo or bunker. You know what is silo? Like a pit, as a cylindrical structure. And you can see what is this? This structure, what is this?
दिस इज लाइक योर तुम जो चाय पीते हो उसका एक छपनी रहता है जहाँ पे चाय का पत्ती अटक जाता है. सिमिलरली व्हेन यू आर पुटिंग द कोल इज पुट इज ट्रांसफर फ्रॉम द टॉप इनटू द बॉडी के ऊपर से भरेंगे तो इस टाइप का जाली रहता है कि कोई भी लार्जर पार्टिकल रहेगा तो वो यहाँ पे अटक जाएगा क्योंकि ये बीन में है तुम्हारा फाइनल स्टोरेज रहता है. इट इज लाइक योर दिस टाइप ऑफ वन कंटेनर इज देयर. ओके उसको हम लोडिंग टॉप से करते हैं बाय ग्रेविटी ऑटोमेटिक बॉटम से निकलता है. तो बॉटम से इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द योर ब्लास्ट फर्नेस. ओके देन यू आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर अवेलेबल. ओके इंप्लांट कोलर मिलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर. यू कैन सी द कोल प्रिपरेशन व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स. कोल क्रासर्स है it will move to vibrating separator. What is the principle of vibrating separator? एक platform है that will vibrate. So vibrate होगा तो क्या होगा? जो heavier particle है, नीचे that will stay and the lighter particle which it will be segregated. If it is vibrated, the smaller particle will be segregated and with the help of belt conveyor you can see the different size is separated. इसके साथ screening भी रहता है. वो वाइब्रेटर से तुम्हारा छप नहीं रहेगा. वॉट एवर इज द स्मॉल पार्टिकल इट विल गो डायरेक्टली फॉल हियर. ठीक है मतलब इफ इट विल फॉल हियर ये अगेन यू विल हैव फोर्स. स्मॉल पार्टिकल इधर आएगा लार्ज पार्टिकल विल कम टू द कोल्ड ड्रायर. कोल्ड ड्रायर में पूरा मॉइस्चर को निकाला जाता है और फाइनली थ्रू बेल्ट कन्वेयर इट इज मूव टू द कोल्ड स्टोरेज बिन. फाइनली तुम्हारा जो बिन है वहां से तुम्हारा मटेरियल ऑटोमेटेड सिस्टम से जाता है. नाउ इट इज ऑटोमेटेड. Previously it was manual. अभी फर्नेस का टेम्परेचर कैसा सिस्टम है? फर्नेस 600 डिग्री में करना है. देखना तुम्हारा लाइफ भी है स्मॉल है आपको 120 डिग्री को दैट इज इजी लेवल. सिमिलर टू योर इंडक्शन ओवन. इंडक्शन में अगर टेम्परेचर दोगे सपोज 200 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको बढ़ा के कर दोगे 600 डिग्री सेंटीग्रेड क्या यूज होगा? 200 से 600 तुम तो ऐसे टच करोगे उसमें खींचेगा इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. फार्नेस में क्या है सपोज देर इज सम रीडिंग 0, 400, 600, 800, 1000 में था हम बटन घुमा के 1000 कर देंगे. वो फार्नेस को क्या चाहिए? मोर अमाउंट ऑफ कोल इंटेक शुड बी देयर फॉर हायर एलिवेशन. सो तुम्हारा जो बीम है वहां से ऑटोमेटेड सिस्टम है. तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वहां से कोल ज्यादा आने लगेगा. फैन का स्पीड बढ़ जाएगा ज्यादा कोल ब्लो होगा. ऑक्सीजन भेजा जाता है पाइप से so that 100% combustion is there. Okay. So if you increase the temperature, the requirement of coal will be more. Automatically, these things are adjusted. Nothing is manual nowadays. Previously manual में रहता था. Okay. That is why maintenance was also more. You can see this is the crushing machines that are used. This is the vibration separator. In vibration separator, these pores are there. देख रहे हो smaller particle को नीचे से separate हो जाएगा. लार्जर पार्टिकल जो रहेगा उसको फिर से छोटा साइज का जॉब का समय भेजा जाएगा. तो स्टेप बाय स्टेप तो टोटल पार्टिकल वहां है हमारा फिनिश प्रोडक्ट यहाँ रहेगा. जितना भी पाउडर फॉर्म हो रहा है वो सेपरेट हो जाएगा फिर से क्लासर में आएगा फिर तुम्हारा फिल्ट्रेशन होगा फिर क्लासर होगा फाइनली जाके सब तुम्हारा सेम साइज से तुमको मिलेगा. सेम थिंग इज यूज इन केस ऑफ एग्रीगेट. जो कोर्स एग्रीगेट यू आर यूजिंग कोर्स एग्रीगेट जो होता है पत्थर कॉन्क्रीट में यूज करता है उसका साइज तो एक जैसा रहता है. कैसे रहता है? इसी तरह से रहता है. बड़ा बड़ा तुम्हारा पत्थर जो है उसको तोड़ के एग्रीगेट बनाता है उसको छोटा करते करते यू विल गेट द यूनिफॉर्म साइज. तो दिस इज द प्रोसेस और यू कैन सी हाउ द कोल इज हैंडल्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम. ये आउटडोर स्टोरेज है आउटडोर से इंडोर में कैसे जाता है इंडोर से तुम्हारा. So these are the different systems that are there, belt conveyor, screw conveyor, bucket elevator. So you can go, you can search and you will get more knowledge about these systems. Okay, indirectly, you don't need so much. So these are the cold conveyor or belt that are used. These things are very much important for mechanical. Uska pura system rehta hai, mechanical student. Again, these things need lot of maintenance. टेक्नीशियन रहता है इंजीनियर विल चेक कि तुम्हारा सिस्टम तो फेल नहीं हो रहा है. ये सब चीज तुम्हारा आज के डेट में ऑटोमेटेड है.
ये साइज रिस्ट्रिक्टेड है, तुमको सैंपलिंग करना है, उठा के देखना है। सपोज यहाँ पे तुम्हारा जो एग्रीगेट साइज है इट इज बिटवीन 1 to 3 mm, आप उठा के देखना है कि सब सेंटर सेम जैसा है। कभी कभी ये भी खराब होता है, देखना बड़ा साइज पीस के साथ मिल जाएगा। ओके, सेम थिंग्स आर अवेलेबल व्हेन यू आर इफ यू आर वर्किंग इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सीमेंट को देखा है बोरा में एकदम पाउडर जैसा आता है, उसका भी सिस्टम ऐसा ही है, ऐसे ही जाता है, उसको कंटिन्यूअस चेकिंग रहता है। ओके, यू कैन सी दिस इज द स्क्रू कन्वेयर सिस्टम। ओके, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ स्क्रू इज देयर। ये अकॉर्ड जैसा होता है जो बोरिंग करता है वहां इस टाइप का यूज होता है। इफ इट इज रोटेटिंग वो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो सामान है वो आगे तरफ जाएगा। इफ यू आर पुटिंग, सो दिस इज द स्क्रू कन्वेयर, नो मूवमेंट इज देयर, एक्चुअली कोई मूवमेंट नहीं है, ये स्क्रू घूम रहा है और उसको पुश कर रहा है। ओके, दिस इज द बकेट एलिवेटर, सो यू कैन सी अगेन थ्रू मोटर दिस इज यूज, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ यूज इन मेनी थिंग्स। रोपवे यू कैन सी यहाँ का समझ लो तो एक जेके रोपवे का एक पुल हैंडलिंग का था, वो अभी बंद हो गया, पहले जाता था पूरा नेशनल हाईवे के ऊपर से, वो पोल डायरेक्ट आता था डीबीसी, पोल इंडिया से डायरेक्ट डीबीसी को जाता था, पूरा सिस्टम है रोपवे जैसा, पूरा पोल वहां पे लेके यहाँ जाता था, ऑटोमेटेड प्रोसेस था, लेकिन वो अभी बंद हो गया जेके रोपवे। इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स आसनसोल आफ्टर वंडल यू सी वन गेट इज देयर, वेलकम टू जेके रोपवे, वहां पे रोपवे होगा, वहां पे बकेट यूज होता था, बकेट यूज होता, बट वो पहले का सिस्टम था, अभी ये नहीं यूज होता है, थोड़ी भी ज्यादा होता है। ओके, दिस इज द ड्राफ्ट बकेट एलिवेटर, सो डिफरेंट सिस्टम्स आर देयर, सो दीस आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर देयर इन योर कोल हैंडलिंग सिस्टम। सो फॉर योर सिलेबस यू जस्ट रिमेंबर द बेसिक थिंग्स एंड द बेसिक प्रिंसिपल, ओके, नथिंग मोर विल कम। So next part that is there is the nuclear power plant, different other type of power plant. So basically what we have seen in this chapter is तुम्हारा जो इस chapter में जो component है ये तुम्हारा है your thermal power plant, chimney, cooling tower, all those things. Other than your thermal power plant, what are the different type of other power plants that are there? So it can be nuclear power plant. What is nuclear power plant? What is nuclear power plant? So nuclear power plant where the nuclear energy is used to generate the thermal power plant, to generate the heat, and from there you will use or you can make the electricity. Okay, so this type of power plant you write down the example in India, one power plant is there in Tamil Nadu, nuclear power plant. Okay, other than that what can be done? Hydroelectric power plant. What is hydroelectric power plant? So yes, a question aa sakta hai, what is power plant, what are the types of power plant, and give example of two types. Yahan pe nahi diya hua hai, tumko likhna hai. Can anybody tell hydroelectric power plant any example, or where hydroelectric power plants are used or located? Sir, Kharagpur, USA. In every place where there is a dam, mostly there is one hydroelectric power plant. You go to Maithon तो क्या है? पांचेत में दो है ना? Maithon है डीबीसी का power plant है। मेजिया कोल है। Basic knowledge रहना चाहिए। मेजिया is your thermal power plant, ठीक है? उसके बगल में रैपसॉन का cement plant है। कहीं पे हाइड्रो मतलब क्या है? व्हाट इज हाइड्रो? वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर, द हाइट ऑफ वाटर इज यूज फॉर मूविंग ऑफ द टर्बाइन और द फैंस ऑफ देयर लाइक टर्बाइन विच इज मूव एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। पुरुलिया में अपर डैम लोअर डैम है, वो क्या है? एनीबॉडी हैव गोइंग टू पुरुलिया? व्हाट इज द प्रिंसिपल? पानी कहां से आता है अपर डैम में? कोई दिया है? पूर्णिया से कोई है? कौन है? बेसिक थिंग सुनो, तुम्हारा इंटरव्यू में जब जाएगा ये पूछ सकता है कोई कंपनी आ रहा है तो पावर
प्रॉपर टाइम वहाँ पे कोई नदी नहीं है, है ना, वो पानी को भाई पंप ऊपर भेजता है थ्रू द अपर डैम, द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पंप्स एंड फिर वो पानी नेचुरली नीचे गिरेगा ऊपर से हाइट, सो उससे टरबाइन चलता है, वो एक मैन्युफैक्चर्ड यूनिट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तुम्हारा तुम अगर सपोज फड़क्का में जाओगे वो क्या है डैम है, डैम में क्या होता है हम यहाँ पे एक गेट लगा देंगे, नदी का पानी यहाँ से आ रहा है हम यहाँ पे गेट लगा दे रहे हैं, हाइट एलिवेट होगा हमको हाइट मिलेगा, वो हाइट से टरबाइन चलता है, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। इफ यू गो टू पुरुलिया दैट इज ए मैनमेड प्रोसेस। मैनमेड प्रोसेस में क्या है, पानी को थ्रू पंप ऊपर भेजा जाता है और उससे तुम्हारा टरबाइन घूमता है, पानी फिर नीचे आता है, और वो पानी कहाँ से आता है, मेनली रेन वाटर जो है वो एक बार जमा हो गया वो फिर पानी रहता है, उसी गोल 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 घूमता है। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दैट। अगेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज नेचुरल अनदर वन इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का एग्जांपल योर पुरुलिया में और भी कहीं कहीं पे है, ठीक है, तो अपना घर में बना सकते हो। तो टैंकी का पानी जो तुम्हारा ऊपर जाता है उधर नीचे गिरता है, फैन लगा दो वो घूमेगा। यू कैन यूज अ डायनामो और यू कैन यूज अ मोटर एंड यू कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। कॉस्टिंग इज लेस, पानी तुमको उठाना पड़ रहा है वही इलेक्ट्रिसिटी से घुमा रहे हो उठा रहे हो। ओके, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, कोल फायर ऑलरेडी यू नो, एंड जियोथर्मल। जियोथर्मल यूज द हाइड्रो प्लस थर्मल, बोथ आर यूज इन मेनी प्लेसेस, दिस थिंग इज यूज हाइड्रो प्लस थर्मल एट ए टाइम। देन सोलर पावर प्लांट एंड विंड पावर प्लांट, अदर देन दिस सोलर पावर प्लांट क्या है, सोलर एनर्जी यूज हो रहा है। एग्जाम्पल विंड पावर प्लांट गुजरात है, राजस्थान जगह का नाम बताओ जहाँ पावर अवेलेबल ही नहीं है, जनरेटर यूज होता था अंडमान निकोबार, पहले पूरा जनरेटर से चलता था, अब क्या यूज होता है, सोलर एंड टाइडल एनर्जी। अगेन इफ यू गो टू यू और उसके पीछे स्प्रिंग रहेगा, ठीक है, पानी आएगा धक्का मारेगा ये मेरा मुंह के पीछे तक जाएगा, देन मेरा जो सीट है इसके साथ एक लीवर अटैच रहेगा वो कोई चक्का को घुमाएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फुल्ली नेचुरल वे, ओनली मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस। सो अगेन विंड इज यूज इन मेनी प्लेस वेयर हाई विंड इज देयर, यू कैन सी विंड मिल्स आर देयर। ओके, दीज आर द नेचुरल वे बाय विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। सो ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मॉड्यूल नंबर 11। अगेन मॉड्यूल 12 इज देयर, सो मॉड्यूल 12 what are the things that are there, types of building, tall structure, various type of bridges, water retaining structure, experimental stress analysis, wind tunnel study. What is a building, tum log I think you are in fourth semester, in third semester you have studied this one, some of the things, fourth semester You have a building where you are staying. Here you have different building, hospitals, your education institute everywhere, bus stand, sab kuch building se bana. What are the materials that are used? Again, the building can be or a structure, that is called a structure. Okay. Building can be used, it can be either a fixed structure or it can be used with different type of material, like a temporary structure, set use kar sakte ho, ठीक है, फॉर पार्किंग एंड जो टेम्पोररी प्लान नहीं चाहिए रहता है, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग ए कंक्रीट स्ट्रक्चर यू नीड परमिशन, लेकिन तुम सेट कहीं भी बना सकते हो विद मिनिमम परमिशन। सो बिल्डिंग्स कैन बी डिफाइंड।
differentiated based on the occupancy. Occupancy, what are the different types? Residential building, residential and opposite kiya hoga hai commercial gaser connection hai du rokom hai residential connection commercial electric meter loge do connection rahega residential connection commercial connection tum ek har ye tumhara institute hai tum apna ghar mein use karne wala electricity ka unit rate kam rahega commercial rate is different if you are buying a flat you are your around 3,000 or 3,500 around in Durgapur 2,500 to 4,000 rupees per feet milega kaun sa building ka plot milega residential wahi flat ka samne jahan pe dukaan hoga uska rate rahega 7,000 to 15,000 rupees per feet depending on the area that is the commercial rate business building commercial everything is coming commercial under sab chala jata business business aso coaching center aso okay again depending on the occupancy it can be residential educational assembly institutional business storage hazardous building basically this everything is coming under commercial okay commercial ke niche hi sab aayega kyunki yahan pe tax chalega you are having some income from storage building you will have some income from government building means it is government is giving the subsidy because government tax leta hai government building mein tourist chalta hai but it is a commercial building uska jo plan hoga wo commercial system se hoga hai na sir cold storage cold storage is also commercial building everything is commercial but is a cold storage jahan pe usme aloo lagta hai aur bahut sara sabzi jata hai uski chakkar mein usko saal bhar mein sab sabzi milta hai kahan se milta hai cold storage mein it is like your parking area fully covered and you are having the condenser pura low temperature mein sab kuch rakha jata hai theek hai so these are the different types of building you go through them next is tall structure if you are going in 7th or 8th semester you are having one subject that is your tall building okay what is your tall building tall building as per Indian code SC7 which is having a height of 15 meter it is known as high rise building okay a skyscraper is a building with a so you can see what is high rise building kitna floor hai if it is 15 meter kitna floor hai kitna meter by default your floor height is around 3 meter hai na so 5 floor right so 5 floor or more it is a high rise building as per Indian scenario okay what is the difference between high rise and low rise building it will come under your if you are going for a high rise building means india ke hisab se 5 tala ya 4 tala ke upar up to 4th floor you can see many residential buildings are there bahut businessman ka ghar ya purana ghar bahut sara aadmi rehta hai 4 manzila building hai wahan se 4 permission ka type same hai tumko samne mein 10 feet jagah chhodna hai साइड में 2.5 फीट छोड़ना है और 1 मीटर छोड़ना है पीछे में तुमको 1.5 मीटर छोड़ना है इफ यू गो अबाउट 5 मीटर इट विल बी यू विल गो अराउंड हाई राइज क्लॉज तुम सपोज दुर्गापुर म्युनिसिपैलिटी में रहते हो सिटी सेंटर में रहते हो या विधाननगर में रहते हो तुम्हारा 0 टू 4 डीएमसी विल गिव योर अप्रूवल आफ्टर 4 डीएमसी प्लस एडीडीओ लगेगा इफ यू गो फॉर वेरी हाई राइज बिल्डिंग यू हैव टू टेक स्पेशल परमिशन ओके Then skyscrapers are buildings which are having at least 100 meter height. What is 100 meter means? How many stories? 33 into 399 means 33 floor minimum should be there. There only it will be called as a skyscraper. Skyscraper is again in India there are some buildings. Is not in India. I am telling you in Calcutta there are some buildings which is having this type of height. Where are the skyscrapers located? Mostly in India. If you go to Bombay, Mumbai, Noida, Delhi, there side lot of high rise building are there. Where high rise building are developed, mainly where the area is very costly. जमीन खरीद नहीं सकते हैं, इतना महंगा है. So there and you are having good view, a huge population is there. There we are having this type of
skyscrapers, okay? And super tall skyscraper which are 300 meter or above. 300 meter means 100 floors. Okay, so around 100 floor building. These are called the super tall skyscraper or mega structure and all these things. You can see in India it is not there, but there are some building in Dubai it is going on, and the many building in USA and all those things are there. Again, if you are interested, you can go and search a skyscraper or a high-rise building, same nahi hai. 10 manzila building mein brick use hota hai. 100 manzila building mein brick nahi use hota. Dead load utna bada nahi sakte ho. Jitna dead load badhaoge ek structure mein, what is the two type of forces for which any building or structure is designed? Wo basic hai. What is the threat? What are the threats or threat loads that are there for which you are designing? One is wind load, another one is earthquake load. Dono mein difference kya hai? Wind load कौन सा building में और कौन सा structure में आगे जाएगा? Suppose मेरे पास ये कपड़ा है और ये CPU है, ठीक है? Wind अगर बहुत ज़्यादा wind आएगा, पहले किसको लेके जाएगा या किसको ज़्यादा damage आएगा? कपड़ा को भाई. Wind loads majorly act on the structure which is having less dead load and live load. And earthquake load intensity is more in structures which are having more weight. Wind load concrete structure में by default कुछ act नहीं करता है. देखना तुम बहुत बड़ा concrete वाला में क्या होता है, कि wind टूट जाता है, हवा आता है, अंदर वाला सामान बिखर जाता है. ऐसा देखिए, wind load आया पूरा छत लेके चला गया. আর ক্ষমতা নেই সিমেন্টের ট্যাঙ্ক উড়ানো. কিন্তু ইফ ইউ আর টেক কনসিডারিং ইউর আর্থকুয়েক লোড, তোমার ঘর হ্যাঁ এক পাঁচ তালা আর এক উসকে বগল মে তুমি গাই ভ্যাস রাখনে কা এক জায়গা টিন চালা হুয়া হ্যায়, উইন্ড লোড আয়েগা উসকা ছাত উড় জায়েগা. আর্থকুয়েক লোড আয়েগা তো তোমার পাঁচ মঞ্জিলা ঘর টুটেগা, ও কুছ নেই হোগা, উসমে থোড়া থোড়া ক্র্যাক আয়েগা, উসকা ছাত পে তো লোড নেই হ্যায়, ও দিবার থোড়া ভি ক্র্যাক হোগা তো ও গিরেগা নেই. বাট ইয়োর স্ট্রাকচার হেভিলি লোডেড, ये बिल्डिंग तोड़ कहाँ से तोड़ सकता है? तुम यहाँ पे जो बैठा है टॉप स्टोरी है, वेयर इट कैन बी ब्रोकन. एकदम ग्राउंड फ्लोर में अगर कॉलम को काट देगा वहां से भी गिर सकता है, जैसे एक पेड़ को काटता है, ऊपर से भी काट सकता है, नीचे से भी काट सकता है. तुम अगर एकदम पेड़ के ऊपर चले हुए हो, ऊपर से भी काटेगा तो भी तुम गिरोगे, नीचे से भी काटेगा तो भी तुम गिरोगे. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थक्वेक लोड. बट मोर लोड ऑन ए स्ट्रक्चर, डेड लोड एंड लाइव लोड इज मोर, earthquake load will be more. Okay, that is why for high rise building you see any structure glass is used. Partition mein different type of lightweight aggregate, you see the YouTube, you search the wall, America mein kya use hota hai, foam use hota hai. Aise lakri ka wall deta hai aur foam dalta hai, wo pura jam ke diwar jaisa lagega. Lekin dekhna jo piping hota hai ye hota hai, idhar se maro to udhar se nikal jayega. Isiliye jo common partition wall hai, that is made of light and thin RCC. That is again also formed concrete. उसमे भी एक छाप रहता है concrete. Suppose हम लोग जो concreting करते हैं वो क्या है, एकदम solid बन जाता है, वहां पे वो लोग foam डालता है तो क्या होता है, hollow हो जाता है, voids आते हैं. You can see that blocks nowadays it is used. Have anybody picked up that block? जो concrete का white color का block आता है, RCC इतना लंबा रहता है, RCC block. उठाया है? हल्का रहता है. क्यों रहता है हल्का? वो एसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक. ऑटोक्लेव इज अ टेक्नोलॉजी और वो एरेटेड रहता है, मीन्स उसमें थोड़ा थोड़ा होल रहता है. उसको तुम पानी में भी रखोगे वो बुलंद नहीं डूबेगा, लेकिन वो वैसा एक ब्लॉक लेके अपना घर पे रखना, बरसात में देखना कितना भारी हो जाएगा. तो पूरा पानी धीरे धीरे सोखता है और गर्मी में भी चार दिन धूप होगा फिर धीरे धीरे होल आएगा. So it is having lot of pores. That type of wall materials are used for high-rise building to reduce the structural load on the structure. Okay, you can see this type of structure. ये कौन सा structure है? Twin tower. Twin tower. Where it is located? Malaysia. Okay. This
I don't know, this is a PV structure. So there are different structures. देखो mostly glass is used. ये सब structure देखोगे तुमको क्या मिलेगा? ये structure देखो. Mostly you can see column, floor, and glass is used. In high-rise building, why it is so costly? That glass that is there. So Burj Khalifa में या तुम इस type का building में एक flat खरीदोगे, ठीक है? देखोगे चारों तरफ glass है. तो बाहर आदमी को दिखाई देगा. If you press one switch, it will automatically become translucent. मतलब वो आर पार नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पता चलेगा आर पार एक आदमी है. इफ यू मोल्ड अगेन, इफ यू पुट, सो यू आर हैविंग दैट टाइप ऑफ एप्लीकेशन. द ग्लास कैन बी मोल्डेड, इट कैन बी चेंज इन टू से, बहुत धूप आ रहा है, वो ग्लास का कलर तू चेंज कर सकता है. जैसा अभी लाइट आता है ना, रिंग लाइट आता है, जो इनके पास है रिंग लाइट, कोई ब्लॉक ये भी बनाता है, ब्लॉक उसमें देखना दबाव दे, एक बार व्हाइट कलर आएगा, एक बार तुम्हारा कलर चेंज होगा, रहता है ना इस टाइप का. Like that, glass application is there. So these are the different applications. Okay. So we will finish it up to here, and we will continue the same in our next class. Okay. Our time is over.